पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज, 51,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राजभवन में मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण पर लिखी किताब टाइमलेस लक्ष्मण का भी करेंगे विमोचन। दिल्ली में आज होगी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक, 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे नेता, तीनों राज्यों में मिली हार पर भी हो सकता है मंथन। आज संसद में फिर हंगामे के आसार, मोदी सरकार के वादे पूरे ना करने को लेकर आज टीएमसी करेगी प्रदर्शन। एमके स्टालिन ने फिर दोहराई राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग, कहा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए राहुल का पीएम बनना जरूरी। रफाल विवाद को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का हल्ला बोल, 4 दिनों में 50 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर घमासान, ममता सरकार ने नहीं दी है इजाजत, कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में आज फिर होगी सुनवाई। आधार से जुड़े कानून में संशोधन को केंद्र की मंजूरी, आधार की वेबसाइट हैक करने पर होगी 10 साल की जेल, पिछले 1 साल में कई बार हैक की गई है वेबसाइट। आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट से टकराया आपदाई तूफान, 14,000 हेक्टेयर में फैली खड़ी फसल को हुआ नुकसान, एक शख्स की भी गई जान। मुंबई के ESIC कामगार अस्पताल में लगी भीषण आग, हादसे में अब तक 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान, 100 से ज्यादा लोग झुलसे। पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की करारी हार, 146 रनों से हारी टीम, फेल हुए बल्लेबाज। पाकिस्तान से आज अपने वतन लौटेगा भारतीय कैदी हामिद अंसारी, पाकिस्तान के जेल में 3 साल गुजारने के बाद हो रही है रिहाई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2015 में किया था गिरफ्तार। अमेरिकी प्रतिबंधों पर भड़का उत्तर कोरिया, कहा इस तरह कभी नहीं होगा परमाणु निरस्त्रीकरण। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देना चाहता रियायत, डेमोक्रेटिक सांसद ब्रेट शेरमे ने कहा चीनी कर्ज चुकाने के लिए पाक को ना मिले IMF से ऋण। अमेरिकी सेना के सोमालिया में हवाई हमले जारी, हमले में अलशबाब के अब तक 62 दहशतगर्द ढेर, सेना का अभियान जारी। चीन के हेनान प्रांत में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 11 लोगों ने गंवाई जान, कई लोग घायल। लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 अंकों की गिरावट के साथ 36,099 पर पहुंचा, निफ्टी 46.40 अंकों की कमजोरी के साथ 10,841 पर कर रहा है कारोबार। गूगल के न्यूयॉर्क में $1,00,000 निवेश की योजना, अमेजन और एप्पल की विस्तार योजनाओं के बाद गूगल ने किया ऐलान। आज फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 7 पैसे हुआ महंगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की आज जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत, रुपया 22 पैसे की बढ़त के साथ 71.33 के स्तर पर खुला, कल 35 पैसे की बढ़त के साथ 71.55 के स्तर पर हुआ था बंद। और बजाज ऑटो ने अपनी एंट्री बाइक प्लेटिना का नया अवतार उतारा, नई प्लेटिना में है 110cc का इंजन, प्लेटिना की कीमत 49,197 रुपए से होती है शुरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।